चलते हैं प्रभु चरणों में, प्रभु भक्ति की ओर। हम प्रत्येक दिन पूजा करते हैं, प्रत्येक दिन पूजन करते हैं भगवान, प्रत्येक दिन विनय पाठ पढ़ते हैं, प्रत्येक दिन आलोचना पाठ पढ़ते हैं। जबकि कहा भी है कि हर श्रावक को प्रत्येक दिन मेरी भावना आलोचना पाठ और ग्रंथों में छह डाला अवश्य पढ़ना चाहिए। छह डाला एक लघु समय सार है जिसमें गागर में सागर समाया हुआ है, जिसमें चारों गतियों के दुखों का वर्णन दिया गया है। ऐसी वे सुंदर लघु समय सार छह डाला को हमें अपने जीवन में एक बार पढ़ना अवश्य चाहिए। हमारे जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ समाप्त होती है, ये हमें छह डाला से मिलता है, प्राप्त होती है। आलोचना पाठ भी हम डेली पढ़ते हैं। आलोचना पाठ में क्या लिखा है, सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन की अब निवृत्ति का जा, तुम शरण लही जिन राजा। कभी आप लोगों ने आलोचना पाठ पढ़ा, पढ़ने की प्रयास किया? क्या कह रहे हैं, अपनी वेदना को भगवान के निकट उनके चरणों में रख रहे हैं। जब भगवान के प्रति लगाव हो जाता है, जब सब कुछ भूल जाते हैं, तब जा करके कहीं प्रभु की मूर्ति दिखाई देती है, मूर्ति में मूर्तिकार दिखाई देता है। हम मूर्ति तो देख लेते हैं, हम मूर्तिकार को नहीं देखते। हम प्रतिमा को तो देख लेते हैं पर परमात्मा को नहीं देखते। हमें प्रतिमा नहीं, हमें परमात्मा देखना है। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन की अब निवृत्ति का जा, तुम शरण लही जिन राजा। हे भगवान सुनिए जिन अर्ज हमारी, हे भगवान मेरी विनती सुनिए, मेरी अर्ज सुनिए। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी। हे भगवान मैंने बहुत सारे दोष किए, प्रत्येक दिन मैंने पाप किए, मैंने सुबह से उठता रात ही में सोते जब तक कितने सारे पाप करते, मन से वचन से काय से कृत से कारित से अनुमोदना से, ऐसे 108 प्रकार के पाप किए मैंने। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इन तीनों का तीनों से गुणा करना, मन वचन काय से कृत से, मन वचन काय से कारित से, मन वचन काय से अनुमोदना से, ऐसे 3 3 9 और ये तीनों मन से वचन से काय से कृत से कारित से अनुमोदना से 9 3 27 और क्रोध मान माया लोभ 27 क्रोध से 27 मान से 27 लोभ से, ऐसे 27 × 108 ऐसे मैंने इतने पाप किए, प्रत्येक दिन पाप किए। इसीलिए माला के दाने भी 108 ही होते हैं। हमें माला का जाप करना चाहिए। जब हम 108 प्रकार से पाप करते हैं, मन से वचन से काय से कृत कारित अनुमोदना से, और कहाँ से लिया, संभ्रम समारंभ आरंभ मन वचन और काय 3 3 9 और इन 9 को कृत से कारित से अनुमोदना से 9 3 27 और 27 को क्रोध से मान से माया से लोभ से, ऐसे 108 प्रकार के पाप होते हैं। उन 108
प्रकार के पाप जो हम प्रत्येक दिन करते हैं उनका क्षय करने के लिए हम प्रभु की जाप जो करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रभु की माला में 108 दाने इसलिए होते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ, कृति कारिते अनुमोदन करके क्रोध आदि चतुष्टे धर के, सत आठ जु इम भेदन ते, सत आठ जु पूरा नहीं लिया मैंने आलोचना पाठ, शुरू की दो लाइनें और बीच का बताया, शुरू की पूरा लेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। हम 108 प्रकार के पाप कैसे करते हैं और कैसे प्रभु को सुना रहे हैं, उन 108 प्रकार का जो हमने पाप किया वो कैसे क्षय होगा, उसको प्रभु को अपनी वेदना हम प्रभु के चरणों में रख रहे हैं। सत आठ जु इम वेदन ते, आग कीने परिछेदन ते, तीन की कहूँ कोल कहानी, तुम्हें जानते केवल ज्ञानी, तीन की कहूँ कोलो कहानी, हे भगवान कहाँ तक कहूँ अपने दुखों की कहानी, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, और तुम जानत केवल ज्ञानी। और शुरू में क्या कहा, सुनिए जिन अरज, सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। हे भगवान, मैंने अनादि काल से कितने पाप किए, संसार परिभ्रमण करते करते अनादि काल हो गया पर अभी तक मुझे मुक्ति नहीं मिली। एक बार भी मुझे मुक्ति मिल जाती, एक बार, जैसे एक छोटा सा नन्ना सा बालक अपने माता पिता से जिद करता है किसी खिलौने के लिए, और जब तक वह जिद करता रहता है तब तक उसको वह खिलौना नहीं मिल जाता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वह माता पिता को नहीं छोड़ता है, वह मीठा मीठा लड़ियाता है माता पिता से, मुझे दिला दीजिए, दिला दीजिए, और माता पिता को आखिर में दिलाना ही पड़ता है। ऐसे ही हमें भी धीरे धीरे मीठा मीठा प्रभु से लड़ियाना चाहिए, हे भगवान मुझे अभी तक सिद्धालय की यात्रा प्राप्त नहीं हुई है, एक बार मुझे सिद्धालय की यात्रा करा दो भगवान, एक बार, आप जब तक पीछा नहीं छोड़ना जब तक हमें सिद्धालय की यात्रा प्राप्त नहीं हो जाए, सोते हुए भी, जगते हुए भी, चलते फिरते, खाते पीते उड़ते, बस एक ही दे रखना, अनादिकाल हो गया है संसार परिभ्रमण करते करते, मुझे अब और संसार परिभ्रमण नहीं करना, अब तो मुझे मुक्ति मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करना है। इसलिए हे भगवान, जब भी भगवान के पास जाओ उन्हें अपने परम पिता परमात्मा समझ करके उनके चरणों में एक विनती बस प्रत्येक समय, हे भगवान एक बार मैं आप मुझे एक बार सिद्धालय की यात्रा करा दो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे भगवान के सामने निवेदन करो, जैसे वो बालक माता पिता के सामने गिड़गिड़ाता है उस खिलौने के लिए, और जब तक वह खिलौना नहीं प्राप्त कर लेता तब तक वह गिड़गिड़ाता रहता है, ऐसे ही हमें अपनी भावना को भगवान के चरणों में रखना चाहिए, भगवान एक बार मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कभी कुछ नहीं मांगूंगा। अरे मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगे ना जिसके बाद कुछ मांगना ही ना पड़े, तुम तो छोटी छोटी चीज मांगते हो, मंदिर में आते हो, हे भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, हे भगवान मेरी दुकान चल जाए, हे भगवान मेरी कोठी बन जाए, हे भगवान मेरा बंगला बन जाए, हे भगवान मेरे बच्चों की शादी हो जाए, ऐसी छोटी छोटी चीजें मांगते हो, ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं, आप एक बार ऐसी चीज मांग लीजिए, एक बड़ी चीज मांग लीजिए जिसके बाद कुछ मांगना ही बाकी ना रहे, तद गुण लब्धे।
तदगुण लब्धे, मात्र आपने तदगुण लब्धे जो कह दिया, आपने तीनों लोकों को मांग लिया। तदगुण लब्धे, आपके जैसे गुण मुझ में भी प्रकट हो, आपके जैसे गुण मुझे भी प्राप्त हो। आपने तीनों लोकों का जहान मांग लिया, अब बताइए क्या बचा है। अब तो सब कुछ मिल गया, तुमने तो तीन लोक के नाथ का वैभव मांग लिया। तीन लोक के नाथ है ना, वो तीनों लोकों के अधिपति है, राष्ट्रपति है, अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, वही पद तो तुमने मांग लिया। और जब भगवान के जैसे गुण तुम्हारे अंदर भी प्रकट हो जाएंगे, फिर तुम्हारे को ये छोटी मोटी चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान की भक्ति में मांगो तो ऐसा मांगो कि फिर कभी मांगने की जरूरत ही ना पड़े। प्रतिमा में मैं तुमको देखो, प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगी। प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगी। गाती कर मैं नाश करके तेरे जैसी बनूंगी, गाती कर मैं नाश करके तेरे जैसी बनूंगी। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति में एक बार जिसको लगन लग जाती है, मीरा प्रभु भक्ति में पागल हो गई, सबरी पागल हो गई, प्रत्येक दिन राम का गुणगान करती थी, इंतजार करती थी, उस दरवाजे को बुहारा करती थी, मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरे प्रभु राम आएंगे। कहाँ वो अयोध्या के राजा और कहाँ जंगल में सबरी इंतजार कर रही है, श्री राम का, प्रभु राम का इंतजार कर रही है। प्रत्येक दिन सुबह उठते ही उसके मन में सच्ची श्रद्धा आस्था भक्ति थी, इसलिए प्रभु जंगल में ही शबरी के यहाँ केशा कर्म का संयोग बना कि प्रभु शबरी के द्वार पर ही पहुंच गए। ऐसे ही जो सच्ची भक्ति करता है, जो सच्ची श्रद्धा आस्था के साथ प्रभु की भक्ति करता है, उसको एक दिन जरूर दर्शन होते हैं, सिद्धालय की यात्रा जरूर होती है, उस समूह शरण का वैभव की दर्शन एक दिन जरूर होते हैं। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया है, मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया है, सबरी ने भक्ति में अपने राम को ध्याया है, सबरी ने भक्ति में अपने राम को ध्याया है। कौन सा मंत्र पढूं मेरे गुरुवर, ओ कौन सा मंत्र पढूं मेरे गुरुवर, तुम धरती पर आओ, मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बन आओ, एक बार आओ गुरुवर दर्श दिखलाओ, गुरुवर एक बार आओ गुरुवर दर्श दिखलाओ, गुरुवर एक बार हम मीरा जैसी भक्ति करके तो देखें, एक बार हम
सबरी जैसी भक्ति करके तो देखे, उस भक्ति का आनंद, उस भक्ति की अनुभूति, उस भक्ति के रस में डुबकी एक बार डूब कर तो देखो, फिर तुमको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार प्रयास करो, जो प्रभु की भक्ति में, जो गुरु की भक्ति में, जो जिनवाणी माँ की भक्ति में तन्मय हो जाता है, फिर उसके जीवन में कोई दुख नहीं आते, और दुख आते भी हैं तो वह दुख लगते नहीं है, वह दुख मानता ही नहीं है। दुख मानना और सुख मानना तो हमारी विचारधारा है। हमने दुख माना, दुख हो गया, सुख माना, सुख हो गया। अरे कोई शब्द किसी ने अच्छा बोला, तुम खुश हो गए क्योंकि तुमने उसको सुखपूर्वक समझा, और किसी ने अपशब्द बोल दिए, वहीं तुम्हें दुख लगने लगे। क्या शब्द सुख, शब्दों में सुख था, क्या शब्दों में दुख था? नहीं, सुख दुख तो आपकी मान्यता में था, आपकी विचारधारा में था। सुख दुख तो विचारधारा में था, शब्दों में सुख कहाँ, शब्दों में दुख कहाँ? शब्द तो शब्द है, शब्दों में कैसा? वो तो तुम्हारी मान्यता के ऊपर है कि तुमने उसको किस प्रकार से लिया है। आधा ग्लास भरा, आधा ग्लास खाली। आधा ग्लास भरा पॉजिटिव विचार, आधा ग्लास खाली नेगेटिव विचार। हमारी विचारधारा कैसी है? अगर हमारी विचारधारा नेगेटिव है तो हमारे साथ नेगेटिव ही होगा, और हमारी विचारधारा पॉजिटिव है तो हमें सब पॉजिटिव ही दिखाई देगा, हमें सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। लेकिन हमारी विचारधारा ही नेगेटिव हो, हमें आशावादी बनना है, हमें निराशावादी नहीं बनना।